आज सैटरडे और मैं हूँ कराची ईट फूड फेस्टिवल में। अब इसका नाम ईट फूड है। अब इस फेस्टिवल को 10 साल हो चुके। ये हमेशा दिसंबर या जनवरी में हर साल होता है। 3 दिन के लिए इधर बहुत सारे फूड स्टॉल्स होते हैं, म्यूजिक होता है। मेरा ख्याल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल है। तो मैं इधर आ गया हूँ, अब देखते हैं कि मैं क्या क्या खाऊंगा और मैं कितना खा पाऊंगा। तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन होता है, लेकिन मैं आज सैटरडे है, आज मैं आया हूँ। तो अब मैं आज से 2 दिन है अब इधर बहुत सारे खाने खाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इधर क्या है। इफ्तिताह हमने किया है, पहली चीज़ है डम्पलिंग्स और ये है स्टीम्ड बीफ और चिली ऑयल में। फ्राइड भी है और इनके पास वो भी हैं, क्या कहते हैं, स्टीम। तो मैंने स्टीम लिए चिली ऑयल के साथ। कीमत है इनकी 450 रुपये, 4 है पीस स्टीम। पूरे इवेंट में 450-600 के दरमियान चीज़ें हैं। क्वांटिटी कम है, महंगाई है, इन्फ्लेशन, व्हाटएवर, बट बहुत मज़े के। अफगानी बूटी मसाले के साथ 400 रुपए की है, बड़ी मुश्किल से ढूंढा ही है मदीना। चर्बी बहुत मजे की है, बिल्कुल फ्रेश जूसी। ₹400 की 12 बोटियां हैं भाई। प्राइसी है बहुत, लेकिन बहुत मजे की बनी हुई। ये अंगारा कबाब सेटिस फ्राई के, और पता नहीं क्या है, मैंने पहली दफ़ा नाम सुना है अंगारा। अंगार है ये, अंगार। ये 80s की मिथुन चक्रवर्ती की कोई फिल्म है अंगारा, उससे मुतासिर होके। बीफ के कबाब है और धुएं का, दम का, कोल का बहुत अच्छा एक टेस्ट है। और कीमत है इसकी 500 रुपये और ये बहुत मजे के। वैसे मिथुन दा हिट है भाई। ए साला, ए क्या बोल रहे हो बाबे, गुड स्टफ। रेवोल्यूशन है ये, बंस रोड स्टाइल है। स्क्वायर बंस है, चटनी, प्याज चटनी लगा के। ये 2 बन 300 रुपए के और मजे के। चिकन स्ट्रिप्स, चिकन टेंडर्स नेशविल स्टाइल, नेशविल यूएस में एक शहर है जहाँ पे ये, जहाँ की ये रेसिपी है नेशविल स्टाइल। बहुत स्पाइसी फ्राइड चिकन होता है उनका। तो ये है चिकन टेंडर्स, इसकी कीमत है 360 रुपये।
के जितने फेमस है, लेकिन बहुत फ्रेश है, धुएं निकल रहे हैं, बहुत क्रंची है और मज़ेदार है। का बैकग्राउंड ये है कि एक दिन एक औरत की अपने मियाँ से लड़ाई हुई और उसने घर में बहुत सारी मिर्चें डाल के फ्राइड चिकन बना लिया। वहाँ का फ्राइड चिकन, यहाँ पे जितना दाल चावल इस्तेमाल होता है, वहाँ पे नेचुरल में फ्राइड चिकन इस तरह खाया जाता है। ये रोज़ का गरीबों वाला खाना होता है। तो उसने बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल के ये बनाई और उसके बाद नेचुरल फ्राइड चिकन की तख्लीक हुई। बीवी नाराज़ हुई थी, बीवी नाराज़ हुई। और तो उसके बाद ये नेचुरल फ्राइड चिकन का वजूद दुनिया में आया और ये पाकिस्तान तक भी पहुंच गया। नेशवल से जहाज में बैठ गया। उन्होंने सॉस दी है, पहले उसको वैसे ट्राई किया। ये बेसिकली चीफ फ्राइज है, इसमें आलू का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये है 400 रुपए के। ये फ्राइज पहले मैंने अज़रबैजान में खाए थे और ये देखें, ये ब्रांड है। का ये पुल बीफ टाको है सोमरेरो। और अभी हम लोग पाकिस्तान में टाको तक तो पहुंच गए, लेकिन पापड़ी वाले टाको है, हार्ड शेल है, बिल्कुल ऐसा लगता है पापड़ी में खाए। जो 100 रुपए के बिलो एवरेज है। और चले अब पाकिस्तान में टाकोस पहुंच गए तो ऑथेंटिक, कोई मैक्सिकन तो होगा नहीं बनाने, तो बस अच्छे हैं, सही हैं, अब बिलो एवरेज है। इट्स ये एक टाको जो है पापड़ी वाला, इट कॉस्ट अराउंड 550। ठीक है, अब दूसरी जगह डोसा है, इंडियन स्नैक। इसके अंदर आलू चिकन 3-4 किस्म के होते हैं। हमने ओरिजिनल लिया है जो आलू, क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो ये वेजिटेरियन जो है। ये अंदर आलू है, ये इसका पहले रायते के बाद। अपने पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ देखी होती है तो डोसे का तो वैसे पता ही होता है। अच्छा है, अच्छा है। ये है कि 400 रुपए का, ये भी है 400 रुपए का, लेकिन अच्छा है। मेरे पीछे है चपली कबाब हाउस। ये चपली कबाब हाउस की 400 रुपए की कबाब, नान, ये नींबू और ये कभी नहीं सोचा था जिंदगी में नान तोड़ के नींबू पे चिड़क के थोड़ी ये थोड़ी मिर्ची चपली कबाब 400 रुपए की है। इन
रिटर्न मिलती है बीफ और चिकन की, तो मैंने बीफ की दी क्योंकि ओरिजिनल वही होती है, 400 रुपये की, लेकिन बहुत मज़े की है। जैसे लाइट मसाला होता है जैसे हमारे पख्तून भाई खाते हैं बनाते हैं, इन्होंने कराची के हिसाब से इसको मसाले नहीं भर दिए, बहुत मज़े की चटनी कबाब। टू गाइस वन ग्रिल, ये दो आदमी थे, इनके पास एक ही ग्रिल थी, बहुत मेहनती और जपा कश्ते दूसरी ना खरीद पाए। ये उनका फिली स्टेक सैंडविच है, फिलेडेल्फिया अमेरिका में ये तख्लीक किया गया था, वहाँ फिलेडेल्फिया में बड़े मशहूर हैं, जैसे ये वहाँ की तख्लीक है। साइज़ तो बहुत छोटा है 600 रुपये का, फुल बीफ है ये, ऊपर बड़े मीनाकारी शजरकारी हुई हुई है। मीट बहुत टेंडर है, स्वीट एंड सार, कोई लॉस टेस्ट है। आप वे भी जैसा फिली स्टेक सैंडविच होना चाहिए, उसके आधे रास्ते तक भी ये ना पहुंच सका। ये गए लांडी कोरंगी पापोश बफर जोन बल्दिया टाउन तक पहुंचा है, इससे आगे ना पहुंच पाया। इज़ द रीज़न इनके टू गाइज वन ग्रिल है, इनको नहीं दी गई दूसरी ग्रिल इसी वजह से। सॉल है ये एक मुल्क है जिसका इन्होंने झंडा भी लगा दिया है। ये मैंने लिया है कोरियन चिकन बर्गर, इसके अंदर ये कोरियन फ्राइड चिकन है, चीज़ कोरियन फ्राइड चिकन है, अंदर चीज़ है, पिकल्स हैं, और सबसे पहले मैंने इनका झंडा उतारा। क्रिस्पी है पिकल्स का, चिकन का, बन का बड़ा अच्छा टेस्ट। ₹500 का, लेकिन इट्स वर्थ इट, इट टेस्ट रियली गुड। ये बाव बाई बाव बन है, बाव बन ये जैपनीज होते हैं, और ये स्पाइसी चिकन है, ₹400 का है, उसका साइज चेक करें, टू स्मॉल। इसमें ये स्पाइसी चिकन है और ये जैपनीज बन है। चिकन बहुत स्पाइसी है, बन ऊपर दीवार पर जाके चिपक गया, उतर ही नहीं रहा, बेलचे से कूदता है यहाँ लग गया है। जैसे फ्राइड चिकन होता है ना वैसे, इसके अंदर बीच में स्पाइसी फ्राइड चिकन है और ये जापानीज बन है, और सम वेजिटेबल्स, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एवरेज है। पाकिस्तान में कहते हैं अरबी पराठा, और असल में अरब जबान में इसको बोलते हैं मुतबक। इसमें डाला थोड़ा नींबू, ये पराठा है, इसके अंदर अंडा चिकन और कुछ सब्जी जात है, बहुत गर्म है, इसकी कीमत है ₹400। गरम खस्ता
में कॉर्नर इनका आउटलेट है बलोच कॉलोनी में। ये उनका सिग्नेचर बीफ बर्गर है और ये बन ये है ब्रेड गार्लिक ब्रेड और इसके पीछे बीफ पैटी और ये हैंड क्राफ्टेड फ्राइज और ये भी एक मुल्क है सोल की तरह इनके मुल्क का ये झंडा है। इंटरेस्टिंग है बहुत छोटा कीमत है 400 रुपये बीफ पेटी है चीज़ है और ये गार्लिक ब्रेड। अब ये बाइक आएगा बहुत जूसी पेटी है ग्रिल्ड बर्गर है और ये बटर टोस्टेड गार्लिक ब्रेड बहुत जबरदस्त होता है। सोशल क्रैब्स एक छोटा सा सी फूड जॉइंट है फेज 8 में उनका है ये फिश एंड चिप्स टार्टर सॉस है ये मुझे पता नहीं कौन सी है और ये फ्राइज है और इसकी कीमत है 500 रुपये। क्रिस्पी फिश है बिल्कुल गरम ये टार्टर सॉस पे लगाई बिल्कुल फ्रेश है बिल्कुल गरम क्रिस्पी और टार्टर सॉस के साथ बहुत मज़े की लगी। बहुत मशहूर है ये जगह रिसेंटली इन्होंने छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है फेज़ 8 में अभी मुझे जाने का मौका नहीं मिला बट आई डेफिनेटली गो एंड ट्राई। तो ये थी 500 रुपये की फिश एंड चिप्स टार्टर सॉस के साथ बहुत मज़े की। मैक्सिकन साउथ अमेरिकन डिज़र्ट है ये फ्राइड है ये साथ चॉकलेट डिप है इसमें बहुत अच्छी सिनेमन की डिश है गरम गरम खस्ता चॉकलेट डिप सॉल्ट का। बहुत ही शानदार दुकान का नाम है क्यूरियोसिटी शायद ये क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में भी है और ये बहुत मज़े के 450 रुपये का था ये बॉक्स इसमें 4 स्टिक्स थे 3। ये फिज एंड बॉब ये कपल है जो घर से पहले बेचते थे बर्गर्स वगैरह और अब ये इन्होंने एक छोटा सा शायद फेज़ 5 में बदर में एक छोटा सा जॉइंट खोला है ये उनका मशहूर फिली स्टेक सैंडविच है ये 400 रुपये का है। जो मैंने पहले फिली स्टेक सैंडविच खाया था वो इतना अच्छा नहीं था लेकिन ये वेरी गुड। इसमें इनकी अपनी एक सॉस है और बड़ा टेंडर बीफ है बहुत मज़े का छोटा टाटा चुन्ना मुन्ना था बेट्स गुड। अच्छा जी सैटरडे संडे ये 2 दिन मैं इधर था ये जो मैंने आपको खाया मैंने आपको दिखाया आची खाने कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो थे नहीं लेकिन थोड़े प्राइसी थे क्वांटिटी बहुत कम थी और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको दोबारा खाया जाए, लेकिन इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए और ये फेस्टिवल बहुत अच्छा था और मैंने बहुत इन्जॉय किया दो दिन, और आई होप कि ये अगले साल फिर हो और मैं इसी तरह नए नए खाने ट्राई करूँ।